मैं 2008 से इस कांवड़ यात्रा में जा रहा हूं। इस कांवड़ यात्रा ये कांवड़ यात्रा जो है श्रावण मास में होती है और गुरु पूर्णिमा के दिन हम वहां से गंगा मैया से जो है वो कांवड़ उठाते हैं और शिव चौदस को जो है जल भोले शंकर को जो है उसको नहलाते हैं। और इसका जो मुख्य आकर्षण हमें रास्ते में मिलता है, तरह तरह के लोगों के द्वारा जो इस कांवड़ यात्रा के बारे में जो लोगों की एक आस्था है, अचंभित हो जाते हैं हम इस लोगों की इस आस्था को देखकर। और इसी तरह से हम लोगों में इस बात की भावना पैदा करना चाहते हैं लोगों के बीच में कि भोले शंकर सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मैं तीसरी कांवड़ यात्रा में इस बार गया हूँ। हमने हल्की पौड़ी से कांवड़ उठाई और 12 तारीख को उठाई, आज 24 तारीख को हम पंडो में पहुँचे हैं। ये टोटल सफ़र जो है हमारा 480 किलोमीटर का बनता है, जो हमने 13 दिनों में कवर किया है। तो इस यात्रा में भोलेनाथ की कृपा रहती है कि जो कांवड़ उठाता है उसको कोई भी दुख नहीं होता है। गंगा जल कांवड़ में लाए हैं, वो गंगा जल हम पैदल लेके आते हैं और कल हम उसका रुद्र अभिषेक किया जाएगा। शिव चौदस के दिन इसका रुद्र अभिषेक किया जाता है। आज हर वर्ष की भांति हरिद्वार से कांवड़ लेके हमारे जांबाज जो है 13 दिन की यात्रा करके पंडो में पहुंचे हैं। इनका भव्य स्वागत पंडो निवासियों ने, क्या बूढ़े क्या जवान क्या बच्चे क्या मातृशक्ति, सभी ने हर्षोल्लास से यहां पर उनका स्वागतम किया और उनकी पूजा की, कांवड़ की पूजा की। और ये कामना करते हुए कि हर वर्ष की भांति पंडो निवासियों को सुख शांति और खुशहाल रखें। जय भोलेनाथ।